हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। ओम गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, भद्रा का समय और साथ ही जानेंगे राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार हर साल रक्षाबंधन का त्योहार सावन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के रिश्ते को समर्पित है। दोस्तों, सावन की पूर्णिमा को राखी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन जहां एक ओर बहने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करते हुए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां या कलावा बांधती हैं, तो वहीं भाई भी अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। दोस्तों, सावन के महीने में आने वाला रक्षाबंधन का त्योहार वर्ष 2024 में कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, भद्रा का समय और राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। आइए सबसे पहले बात करते हैं सावन पूर्णिमा कब से कब तक रहेगी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को सुबह 3:04 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 19 अगस्त की रात 11:55 पर होगा। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत और स्नान 19 अगस्त को किया जाएगा। अब जान लेते हैं भद्रा काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, राखी के दिन पूर्णिमा के साथ ही भद्रा भी शुरू हो जाएगी। रक्षाबंधन के दिन भद्रा पुंज का समय सुबह 9:51 से सुबह 10:53 रहेगा। रक्षाबंधन के दिन भद्रा मुख का समय सुबह 10:53 से दोपहर 12:37 तक और रक्षाबंधन के दिन भद्रा अंत का समय दोपहर 1:30 तक रहेगा। अब जान लेते हैं राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन 19 अगस्त सोमवार को अनुष्ठान का समय दोपहर 1:30 से रात 9:08 तक रहेगा। दोस्तों, कुल अवधि 7:38 की रहेगी। राखी बांधने का अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:43 से शाम 4:20 तक रहेगा। कुल अवधि 2:37 तक रहेगी और राखी बांधने का प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6:56 से रात 9:08 तक रहेगा। दोस्तों, कुल अवधि 2:11 की रहेगी। आइए अब जान लेते हैं राखी बांधने की विधि के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन स्नान के बाद सबसे पहले राखी की थाल सजाएं। इस थाली में रोली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, दीपक और रंग बिरंगी राखी रख लें। अब सबसे पहले भाई बहन मिलकर अपने इष्ट देव की आराधना कर लें। इसके बाद बहने भाई को कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। शास्त्रों के अनुसार चावल से तिलक करने पर सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, तिलक लगाकर भाई के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र या राखी बांधें। राखी बांधते समय भाई का मुख पूर्व दिशा की ओर और बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें और भाई को मिठाई खिलाएं। राखी बांधने के बाद भाइयों को अपनी सामर्थ्य अनुसार बहनों को भेंट देनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि रक्षा सूत्र में सरसों, केसर, चंदन, अक्षर और धूप जरूर बांधना चाहिए। राखी दाई कलाई पर ही बांधनी चाहिए। कहते हैं कि अगर बहनें राखी बांधने के बाद भाई को सूखा गोला भेंट करती है तो इससे भाई के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। मान्यता है कि भाई की कलाई पर राखी बांधते समय 3 गांठ जरूर लगानी चाहिए। ये 3 गांठ त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।